मामला सही है। माननीय सांसद घोसी अतुल राय जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा अध्यक्ष को, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को, प्रमुख सचिव को लेटर दिया है कि उनको मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है। वास्तव में अतुल राय जी को खतरा है। आप विगत लोकसभा चुनाव से ही देखें तो जब अब्बास अंसारी को यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, गठबंधन से अतुल राय जी को प्रत्याशी बनाया गया, उसी वक्त से मुख्तार अंसारी के लोग खुन्नस रखने लगे। खुन्नस रखने में जब वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं कटवा पाए तो उन्होंने अपने एक डी गैंग के सक्रिय सदस्य अंगद राय के माध्यम से सत्यम राय और प्रिया राय से संपर्क करके एक साजिश रची, जिस साजिश का परिणाम है कि आज भी अतुल राय जेल के अंदर है, जिसमें उनके पिताजी ने जब जांच की मांग की थी तो सीओ भेलूपुर ने जांच की थी, जिसकी सीरियार निकाली गई, फॉरेंसिक जांच हुई, उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये पूर्णतः फर्जी मामला है, अतुल राय के खिलाफ साजिश रची गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अतुल राय जी की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को प्रयागराज जेल से कहीं अन्यत्र रखा जाए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि निश्चित तौर पे आप समझिए कि जो लोग साजिश करा सकते हैं वो प्रयागराज जेल के अंदर रह के हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आपने देखा उसने कुख्यात कृष्णानंद राय की हत्या कराई, कई हत्याओं का अपराधी है मुख्तार अंसारी। इसलिए हम निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो अतुल राय के जान माल की सुरक्षा की जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जितना लोग अफवाह फैलाते हैं अतुल राय जी का उस प्रकार का संबंध नहीं था। निश्चित तौर पे पार्टी के में होने के नाते सलाम दुआ होती थी, लेकिन हमें नहीं अंदाजा था कि ये दुश्मनी इस स्तर तक पहुंच जाएगी। अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो मुख्तार अंसारी इतनी बड़ी साजिश रचने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है वो हमारी हत्या भी करा सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अतुल राय जी के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। निश्चित तौर पे हम अपने नेता सुश्री महान मायावती जी को भी इस बात की सूचना अपने माध्यम से देंगे। हम मांग करते हैं सरकार से कि अतुल राय जी की जान माल की सुरक्षा की जाए और मुख्तार अंसारी को प्रयाग जेल में नैनी जेल में न रखते हुए कहीं अन्यत्र के जेलों में रखा जाए। नहीं नहीं नैतिक मामला नहीं, वास्तव में मुख्तार अंसारी से अतुल राय जी को खतरा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके गैंग डी गैंग है जिसने पूरी साजिश रची मुख्तार अंसारी के सह पे, तो जो हमें जेल में रख सकता है, फंसा सकता है फर्जी मामले में, अपने बेटे को विधायक और सांसद बनाने के लिए वो हमारी हत्या भी करा सकता है। जी जी निश्चित तौर पर उसके गैंग जो सोनभद्र जेल में बंद है, डी गैंग का सदस्य अंगद राय, उससे और प्रिया राय और जो है कि सत्यम राय की जो वार्ता की ऑडियो आई हुई, जिसको सीओ भेलूपुर ने जांच किया है, फॉरेंसिक जांच हुई है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों की आवाज़ें अंगद राय और सत्यम राय की है, जिस आवाज़ को सुनने से स्पष्ट हो जाता है कि कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। तो जी निश्चित तौर पे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ही बेटे का टिकट कटा था, अगर अतुल राय को टिकट नहीं मिलता, अब्बास को टिकट मिलता, तो निश्चित तौर पर घोसी लोकसभा का सांसद अब्बास अंसारी होता। Thank you.